नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज। आज हम लोग चुनाव की खबर नहीं बल्कि नवरात्र की खबर को लेकर आए हैं। आज से नवरात्र शुरू हो चुका है और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में पूरे देश में नवरात्र को धूमधाम से मनाने पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ ऐसे मंदिरें हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ नवरात्र की थोड़ी थोड़ी सी तस्वीर देखने को मिल रही है और थोड़ी रौनक दिख रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से इस पूरे जगह को सजाया गया है। ये मुख्य गेट है। आपको इस मंदिर के बारे में बताते हैं, ये मंदिर जो है ये यमुनानगर का मंदिर है। ऐसी किद्वंती है, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर पे थावे वाली भवानी जाने से पहले कुछ क्षण के लिए यहाँ भी रुकी थी और यहाँ उन्होंने पिंड के रूप में अपना दर्शन दिया था, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से ये पूरे मंदिर को सजाया गया है और इसके जाने वाले रास्ते को सजाया गया है। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ये तस्वीर हम आपको और भी आगे लेके चल के दिखाते हैं कि क्या क्या और व्यवस्था की गई है नवरात्र के इस खास मौके पर। अब हम आ चुके हैं यमुनानगर के इस खास मंदिर के प्रांगण में और देखिए प्रांगण को भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। चारों तरफ तोरण द्वार बनाए गए हैं, खूबसूरत गोल आकार में इस पूरे दरवाजे को बनाया गया है। और ये देखिए आसपास में ये जो दुकानें सब लगी हुई हैं, ये माता जी की चुनरी और प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं और इन सभी चीज़ों को दशहरा के इस खास मौके पे नवरात्र के इस खास मौके पे सजाया गया है। अब हम आपको सामने जो मंदिर दिख रही है, मंदिर काफ़ी छोटी है लेकिन वहाँ लेके चलते हैं और फिर वहाँ हम बताते हैं कि मंदिर की क्या खासियत है या मंदिर का क्या कहानी है। मुख्य द्वार है और इससे हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं और अंदर चलते हैं, हम दर्शन कराते हैं। थावे वाली भवानी से पहले, जब थावे वाली भवानी थावे में रुकी थी उसके पहले यहाँ एक पेड़ जो बहुत सदियों पुराना है, नीम का पेड़ है और नीम की पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नीम का पेड़ है और यहीं पे एक छोटा सा यहाँ पिंडी बना हुआ है और इसी पिंडी पे सब लोग पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। काफ़ी धूमधाम से इस जगह पे मनाया जाता है और यहाँ के लोगों का ये बताना है कि जब थावे के लिए माँ भवानी कलकत्ता से चली थी तो यहाँ भी रुकी थी, ऐसा यहाँ का लोग कहना है। हमारे साथ एक युवा एक व्यक्ति हैं, उनसे हम जानते हैं कि कामाख्या से चल के कलकत्ता आई और भी कई जगहों पे रुकी, फिर यहाँ भी रुकी थी, क्या कहानी है? का थावे के पहले जो स्टॉपेज था, कहा जाता है कि यहीं पे उनका था। अच्छा, क्या है यहाँ, क्या कहानी है और कुछ बताएंगे? बाबा जानते होंगे, बताइए बाबा यहाँ क्या कहानी है? यहाँ कहानी है कि वो पटना से चली और रास्ते में कहीं रुकी, उसके बाद यहाँ और उसके बाद थावे। यहाँ जो भी पूजा पाठ अच्छा से होता है, जो सोचता है लोग पूरा हो जाता है, शादी भी यहाँ होता है और टिकाऊ होता है। और यहाँ बारह कोस का 12 में ही एरिया है। यहाँ एक राजा था जमुना नाम का, वो 12 कोस मौसूली करता था, उसका बहुत बड़ा चलती था। और फिर बाद में पहले मुसलमान एक राजा था, वो ब्राह्मण लोगों को न्योता दिया अपने खिलाने के लिए और क्या किया कि एक इनार में कट कट कर डाल दिया, उसका जने वजन हुआ था 1.25 से। उसका बाद यमुना राजा आया और उसको रक्षा किया और राज चलता रहा। देवी स्थान बहुत, देवी के प्रताप से ही ऐसा हुआ। हाँ, देवी के प्रताप से। और यहाँ बहुत दिन से ही देवी का स्थान है, जो लोग जो सोचते हैं वो पूरा हो जाए। बिल्कुल सही बात इन्होंने ये कही कि ये जो यमुनानगढ़ है, ये यमुना राजा हुआ करते थे और उन्होंने ही 3 मुगल शासकों को यहाँ से हटाया था। ऐसी कहानी है कि जो पीछे एक बड़ा सा किला टाइप का मिट्टी का ढेर है, वो एक किला के रूप में था और वहाँ पे इसी देवी की कृपा से
उनको हराया गया था और यहाँ यमुना राजा ने उन पे जीत हासिल की थी। ऐसा बताया जाता है कि वो जो तीन मुस्लिम शासक थे वो लोग काफ़ी क्रूर थे, आसपास के ब्राह्मण लोगों को बुला के उनकी हत्या कर दिया करते थे। और ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर जो एक किला है और किले में जो कुआं था उस कुएं में सब जनेऊ मिला था, यानी उतने सारे ब्राह्मण को की हत्या की गई थी। तो इन्हीं सारे प्रताप के बाद, उन्हीं इसी देवी के प्रताप के बाद उन क्रूर शासकों पे जीत पाई थी यमुना राजा ने, और तब से इस जगह का नाम यमुनागढ़ पड़ा। आपको इस किले के बारे में भी हम बताएंगे अगली कहानी में। फिलहाल यमुनागढ़ का क्यों प्रतापी है और यहाँ क्यों लोग की मनोकामना पूरी होती है, इसके बारे में हमने आपको बताया।